और उधर इंदौर में देवी अहिल्या बाई की 229वीं पुण्यतिथि के मौके पर अहिल्या उत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। हम सबकी आदरणीय वंदे मातरम का गान और अहिल्या स्तूप का गान करेंगे। मैं झांक के देखते हैं तो ये मध्यप्रदेश का नहीं देश का गौरवशाली प्रश्न है। एक ऐसी शासिका उस समय अपना शासन करना प्रारंभ करती है जिसके सामने चुनौतियों के बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनके शासन में प्रारंभ तो पति के वियोग से अब वो स्वयं को अपने आप को पुरानी प्रथा के अनुसार स्वयं को ही एक तरह से इस संसार से विदा लेना चाहती है, लेकिन परम पूज्य मल्लाराव होलकर साहब ने जो समझाया और उसके बाद जो उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदली, निजी कष्टों की परिसीमाओं के बाहर जाकर के भी पति नहीं, पुत्र नहीं, पिता नहीं, बेटी भी आखिरी में साथ छोड़ गई, लेकिन वो उतना उदात्त भाव लेके उन्होंने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की। इतिहास